आईआईटी खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद की मौत का राज गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन इस मौत को आत्महत्या बताने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ फैजान अहमद के माता पिता ने इस मौत के पीछे साजिश बताई है। इसी कड़ी में अमर उजाला की टीम ने जब फैजान के माता पिता से बातचीत की, तो उन्होंने कानून व्यवस्था पर न केवल आरोप लगाया बल्कि आईआईटी को मौत का कुआं तक बता दिया। फैजान अहमद की मां रेहाना अहमद का कहना है कि मेरे बेटे की हत्या में आईआईटी खड़गपुर अथॉरिटी का हाथ है, ये किसी स्टूडेंट का काम नहीं है। जरा सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। आप सबका स्वागत है अमरउजाला.com में। मैं इस समय असम के तिनसुकिया जिले में हूँ। आज आपको उस परिवार से मिलाने जा रहा हूँ जिनके सपने चकनाचूर हो गए। अपने बेटे के रूप में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, वो सपने अब सपने ही रह गए क्योंकि फैजान अब हमारे बीच नहीं है। कि आखिर आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे सेमेस्टर के फैजान खड़गपुर आईआईटी संस्थान जिसे आत्महत्या कह रहा है, लेकिन उनके माता पिता जिसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, और अब तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कह दिया ये आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या है। उनके माता पिता से जानते हैं कि उनके सपने, उनका बेटा किस तरह का था, आखिर क्या हुआ कि फैजान आज हमारे साथ नहीं है। जी आप बताएं कि आखिर ये घटना कब की है, और अब हाईकोर्ट ने जो कहा है कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है, आप क्या कहेंगी पहले? जी ये 2022 अक्टूबर को हम लोग को खबर आया रहा। हाँ 14 अक्टूबर को मेरा बेटा नहीं रहा बोल के, जब हम लोग वहाँ गया उसको देख के हमें पता चला कि ये सुसाइड नहीं है। उसके ऊपर केमिकल डाला हुआ था, उसको बहुत जगह में काट ये हुआ था, सिर पे चोट लगा हुआ था, लेकिन आईआईटी वाला खड़गपुर पुलिस जोर दे के इसको ये बोलने के लिए ये कर रहा था कि ये सुसाइड किया हुआ है, लेकिन सुसाइड किस कारण के किया है ये वो लोग हम लोग को क्लियर नहीं कर पाया। कभी कुछ बोलता है लेकिन वो लोग कुछ क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद जब हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में जब केस चला, तब उसको जो पोस्टमार्टम का जो फोटोग्राफी किया रहा वो लोग वीडियोग्राफी जब देखा कोर्ट ने, तब वीडियोग्राफी में एक साइड का वीडियोग्राफी है, दूसरे साइड का आपका राइट साइड का वीडियोग्राफी है, लेफ्ट साइड का एक भी वीडियोग्राफी नहीं है, एक भी फोटोग्राफी नहीं है। तब हाईकोर्ट ने बोला इसका एक साइड में कुछ ज़रूर है, तो उन्होंने डॉक्टर गुप्ता फॉरेंसिक एक्सपर्ट उनको अपॉइंट किया, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि इसमें तो कुछ है। जब मुझे फ़ोन करके पूछा कि उसको पूछो कि उसके सिर पे कोई चोट तो नहीं है, जब मैंने अपना खबर जो हम लोग का करते हैं वो लोग जो अपना हम लोग का नहाते धुलाते हैं उनको पूछा कि ऐसा कुछ है, तो उन्होंने बोला हाँ, हम लोग सिर के पीछे जब हाथ दिया हाथ अंदर घुस गया रहा, इसका मतलब सिर के पीछे बहुत बड़ा चोट है। तो मैंने डॉक्टर गुप्ता को जब ये खबर हाईकोर्ट में पहुँचा तो हाईकोर्ट ने बोला दोबारा पोस्टमार्टम करना है। तो फिर हम लोग बोरी लेके कलकत्ता पहुँचे, डेढ़ महीना उसको मार्ग में रख के हम कलकत्ता में रुके हुए थे। तो वहाँ पर फिर पोस्टमार्टम जो हुआ उसमें हम लोग को बहुत कुछ खुलासा हुआ। उसके टरुआल से डेगर से मारा गया, उसका जो हड्डी है ये रीढ़ का वो सब कटा हुआ था, गले में जो ये आपका होता है इसका हड्डी पूरा कटा हुआ था, फिर उसका कान का इस नीचे से एक होल किया हुआ था, मुंह में दांत पूरा टूटा हुआ था, बहुत बुरी तरह से मारा था, सिर के पीछे से हिस्सा जोर किसी चीज़ से मारा है, उसका सिर का एक टुकड़ा जो हट गया उसको उन लोगों ने सेलोटेप से लगाया। कौन सा सेलोटेप आपको पता है, जो हम लोग कार्टून पैकिंग करने के लिए लगाते हैं ना, उससे सेलोटेप से उसको लगाया गया है। तो वो सब मिलने के बाद कोर्ट ने ये किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा हुआ कोर्ट में, तो कोर्ट ने होमोसाइड बोल के उसको डिक्लेयर किया। फिर हम लोग का जो फॉरेंसिक टीम दिल्ली से भी आया था, कोलकाता का भी रहा डॉक्टर गुप्ता, सब ने फाइनल रिपोर्ट नहीं दिया रहा। उन लोगों ने अभी जो फाइनल रिपोर्ट दिया उसमें आया है उसको गोली से शूट भी किया गया रहा, जो गले कान के नीचे से हम लोग होल देखे थे वो गोली चलाया गया रहा, खूब पास से उसको गोली चला के उसको मारा गया। इतना बड़ा कुछ हो जाने के बाद भी आईआईटी वाला कैसे चुप है, कैसे वो लोग बोल रहे हैं ये सुसाइड है,
वो लोग मेरे खिलाफ तीन तीन वकील लगा के वो लोग क्यों जोर लगा रहा है ये सुसाइड है बोल के। इसमें मैं बोल रही हूँ इसमें स्टूडेंट का किसी का हाथ नहीं है, ये लोग IIT वाला कुछ तो है जो वो लोग छुपाना चाह रहा है, वो लोग ये मर्डर को छुपाना चाह रहा है, इसमें अथॉरिटी का हाथ है। कॉलेज वाला कुछ फैजान हो तो वो लोग का कोई गोपनीय बात जो अंदरूनी बात फैजान को पता चल गया होता होगा, नहीं तो कुछ फैजान जो प्रोजेक्ट कर रहा था उसको वो लोग मांग रहा था, फैजान शायद नहीं दे रहा था ये सब। फैजान क्या कर रहा था? वो चोको रोबोटिक बोल के एक प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था, वो रोबोटिक जो रिचार्ज कर रहा था ना, वो मुझे जुलाई में आके बोल रहा था माम मैं जो रिचार्ज कर रही हूँ ना वो मैं सक्सेस हो रही हूँ, और वो एक टेबलेट मुझे दिखा रहा था। टेबलेट में वो बोल रहा है मेरा ये टेबलेट में मेरा सब कुछ है, आजकल पेपर की ज़रूरत नहीं है। मुझे बोल रहा था मजाक से आपने इतना इतना पेपर खरीदा रहा ना, अभी तो मुझे एक पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, इसमें सब कुछ आ जाता है माँ। वो टेबलेट मुझे नहीं मिला, हम लोग पुलिस भी ढूंढा, SIT भी ढूंढे, हम भी ढूंढे, हम तो रूम। तो आप कह रहे हैं कि उस टेबलेट में जो फैजान के पास था उसमें कुछ था? कुछ था, जो फैजान प्रोजेक्ट का काम कर रहा था, एक प्रोजेक्ट नहीं वो खुद से एक प्रोजेक्ट कर रहा था, और एक प्रोजेक्ट वो लोग ग्रुप से कर रहा था, बोल रहा था ऑल इंडिया का कोई रिसर्च कर रहा, रिचार्ज कर रहा था प्रोजेक्ट के ऊपर रिचार्ज कर रहा था, तो वो रिचार्ज टीम का वो हेड भी था फैजान। अच्छा, तो ये सब के अंदर कुछ तो ऐसा बात है जो IIT वाला छुपा रहा है, और मेरा बेटा को उन लोगों ने मार के वो चीज वो लोग ये किया है। लेकिन फैजान एक उभरता हुआ सूरत और चमकता हुआ स्टूडेंट था, वो पढ़ाई में मैट्रिक से लेकर हाई सेकेंडरी तक उसने नाम रोशन पैदा किया, गोल्ड मेडल्स के साथ उसने मैथ में भी पास किया, यहाँ से राजस्थान कोटा तक भी वहाँ भी पढ़ाई में कामयाबी होकर अंत में वो माँ बाप की ख्याल था कि मैं उसे IIT खड़गपुर बैठा कर पढ़ा लिखा कर उसे इस काबिल बनाओ कि मुल्क का एक नाम पैदा कर सके, और यहाँ तक पहुँच चुका था। वो मैकेनिकल का थर्ड ईयर रोबोटिक इंजीनियर में वो एक चीज़ रिसर्च कर रहा था रोबोट का, और साथ में कई एक प्रोजेक्ट को रिसर्च कर रहा था। इसी दरमियान उसको बर्बरता के साथ नौ से मार कर फेंक दिया गया। IIT वालों ने उस बच्चे के ऊपर भी तरह भी तरस नहीं आया। 11 अक्टूबर 2022 को मुझसे बात हुई, 22 को स्विच ऑफ, 23 को स्विच ऑफ, 12 को स्विच ऑफ, 13 को स्विच ऑफ, 14 को किसी ने घर पे मेरे वाइफ को फ़ोन किया कि फैजान दुनिया पे नहीं रहा। ये सुनते ही हमारे ऊपर क़यामत बरपा हुई। मैं यहाँ से जैसे तैसे गुवाहाटी से कलकत्ता, कलकत्ता से पहुँचा मैं खड़गपुर, मेदिनीपुर पहुँचा। पहुँचते ही मैंने बच्चे की तलाश की तो एक मर्ग के अंदर में लावारी जानवर की तरह, ना उसके ऊपर कोई कफन था ना कुछ नहीं था, मिट्टी पे फेंका हुआ था, इतना बर्बरता के साथ में मार दिया। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ से लेकर आए, वहाँ पर पूछताछ किया कैसे क्या हुआ, IIT वालों ने कुछ इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। अंत में मैं बच्चे को अपने घर ले आया और उसे दफन करने के बाद हाई कोर्ट को गुहार लगाई, ये सुसाइड नहीं है मर्डर है, इस पर मैंने गुहार लगाया। अंत में मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला कि ये मर्डर है, इस पर तहकीकात हुई, तहकीकात होने के बाद ये साबित हुआ कि ये मर्डर केस है। इस पर IIT वाले कोई भी गंभीर से बातों को न लेकर हमारे अगेंस्ट में उन्होंने हमारी मदद करने के बजाय उन लोगों ने हमारे ऊपर दो दो वकीलें खड़ा की, हम आसाम के रहने वाले कितनी मजबूर है, कितनी कोशिश तकलीफ उठा कर कलकत्ता जाते हैं इंसाफ के लिए। और मैं यही बात का कहूँगा कि मुझे इंसाफ चाहिए, और मैं इंसाफ को उम्मीद पर बैठा हूँ, इंतज़ार किया हूँ कि मुझे इंसाफ कोर्ट से मिलेगी, आप सभी लोगों से मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ के लिए आप लोग मेरे साथ देंगे। यही बात का नमस्कार। ये जो अभी, क्योंकि आप तो पहले से ही कह रही थी कि ये आत्महत्या नहीं है, सुसाइड नहीं है, और हाईकोर्ट ने अभी मेरा बेटा को मैं जानती हूँ वो किस तरह का लड़का था, वो अपने बारे में कम सोचते हैं, मेरे बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं। मानी कहीं बचपन से कहीं दोस्त यार उसको साथ पकड़ेगा उधर जाना है ना, मेरा माँ तो मर जाएगा, मैं थोड़ा देरी करके जाऊँगी घर, मेरी माँ तो मुझे खोजने निकल जाएगी, मैं नहीं करूँगी ये काम। वो जानता था मेरे बगैर मेरी माँ जी ही नहीं पाएगा,
वो ये डिसीजन लेने से पहले वो 100 बार सोचता ऐसा मेरा बेटा है ही नहीं, इसीलिए मैं जानती हूँ मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता, उसको मारा गया है। बेरहमी से वो भी तो साबित हो गया, मैं जैसे बोल रही थी वैसे साबित हो रहे जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी शक होता है कि कोई आईआईटी वाला मेरा बेटा को बाहर बेच तो नहीं दिया, ऐसा बोले मैं सुन रही हूँ कि ऐसा होता है, आईआईटी वाला बच्चों को बेच देता है, दूसरा का बॉडी दिखा के माँ बाप को बोल देता है आपका बेटा सुसाइड कर लिया, आपका बेटा ऐसे हो गया, और उसको बेच देता है बाहर, ऐसा भी हो तो नहीं किया, इसीलिए आईआईटी लड़ रहा है क्या मेरे से? मैं तो यही तो मैं हाईकोर्ट से गुहार लगा रही हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाए, कि ये मुझे खोज के मुझे निकाल के दे, असली कारण क्या है, क्या है अभी हमारे की मौत की वजह भी क्या है? मेरा ये से हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा सर से भी बात हुआ, उनसे भी मैं सीबीआई जांच की रिक्वेस्ट किए थे, उन्होंने मेरा बात रखा, मान रखा, रख के उन्होंने लेटर लिखा ममता बनर्जी को। अभी अगर एसआईटी कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम लोग कोर्ट में सीबीआई जो कोर्ट की मॉनिटर में, सीबीआई भी हम लोग चाहते हैं लेकिन कोर्ट के मॉनिटर हम लोग सीबीआई चाहते हैं, अब सीबीआई जांच हो, सीबीआई असल क्या हुआ है फैजान के साथ ये निकाल के दे, शायद फैजान का ये निकालते निकालते इतने बच्चे कैसे मरे वो भी निकल जाएंगे। तो आप ये कहती हैं कि जैसा कि आपने कहा कि एक साल के अंदर उस दौरान चार बच्चे लेकिन ऑल ओवर इंडिया में 132 स्टूडेंट इस साल के दौरान 2022 से 2023 के दौरान, आप कह रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया के जो आईआईटीज हैं वहाँ 132 बच्चों की मौत हुई, आत्महत्या की बच्चों ने, आत्महत्या बोलते तो आपको क्या ऐसा, आप एक माँ हैं और बच्चे जो है उसी उम्र में जो है आईआईटी जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या बच्चे इस तरह से सुसाइड करते हैं? नहीं कर सकते। आप सोचिए एक लड़का पीएचडी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, वो पीएचडी का फाइनल ईयर का बच्चा, वो पीएचडी में पास करे ना करे लेकिन उसका तो उज्जवल भविष्य है ना, वो तो आईआईटी पास करके इंजीनियरिंग पास करके पीएचडी कर रहा है, वो क्यों सुसाइड करेंगे? जो फाइनल ईयर का बच्चा है वो क्यों सुसाइड करेंगे? उस वो तो सोच सकते हैं मैं बाहर निकल के कुछ भी करके खा सकती हूँ, मैं क्यों सुसाइड करूँगी? वो बच्चा जब मर रहा है उसको भी सुसाइड दिखा रहा है, ये सुसाइड नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ आईआईटी में बच्चे सुसाइड करते हैं। और दिल्ली में जो कांड हुआ उसमें गले में क्यों सेलो टेप लगा हुआ है? काट लगाया उसके बाद उसमें सेलो टेप लगाया, क्यों लगाया? मारा है उसके बाद उसको सुसाइड करता है, सुसाइड बोलते हैं, सुसाइड नहीं है। हमारे गुवाहाटी में भी अभी और एक केस अभी अभी दर्ज हुआ है, वो भी सुसाइड बोला रहा है लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं ये मर्डर है, वो भी साबित हो रहा है मर्डर है। मतलब हर बच्चे को मारा जाता है, देवी का पिल्ले को भी मारा गया है, उसका बॉडी में खून कहाँ से निकल रहा है? वो सुसाइड किया है तो हैंगिंग किया है तो उसका जीप क्यों नहीं निकला, आग क्यों बाहर नहीं आया? फांसी लगाने वाला आदमी ऐसा था? होता है, नहीं होता है, ये लोग झूठ बोलते हैं। आईआईटी वाले में मौत का कुआं है, ये मौत का कुआं। मैं तो अभी फ़ोन करके हर बच्चे को बोलती हूँ बेटा एक साल है, घर से कर एग्ज़ाम देने के कॉलेज जा, एग्ज़ाम दे के घर पहुँच जा, जल्दी निकल जा, उसमें कब किसका मौत होगा कोई नहीं जानता है। जैसे आप कह रही हैं तो इससे तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और उच्च शिक्षा, जो आईआईटी जैसी संस्था में अगर इस तरह के सवाल खड़े होंगे तो देश के जो भविष्य है उसका निर्माण कैसे होगा? कैसे होगा? अंधकार है ना। हम अपने बच्चे को इतना तकलीफ से पढ़ा लिखा के, गरीब माँ एक बच्चे को किस तरह से पढ़ाता है, वो बच्चा कितना नींद ख़त्म करके वो पढ़ाई करता है कि आईआईटी जाएंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कितना सपना था मेरा बच्चा का, सपना था माँ सुंदर पिचा का कहानी सुने हो? सुंदर पिचा को जानते हो? मैं उसकी आँखों से उसके मुंह से मैं सुंदर पिचा को जानने लगी थी। हाँ, मैं सुंदर पिचा की तरह रिचार्ज करूँगी, मैथमेटिक्स में ये करूँगी, मैथ्स जैसा उसके लिए जादू था। हाँ, वो बच्चा इतना बड़ा ख्वाब लेके वहाँ गया, हम लोग जैसे से कहा, किसी से कर्जा लिया, किसी को ये बोला कि हमें मदद कर मेरा बच्चा को पढ़ाना है, जेवर थोड़ा बेच दिया। हाँ, उसका मौसी मौसा पापा मम्मी मामा सब कोई उसके पीछे लग गए थे कि बच्चे को बनाना है, बच्चे का सपना पूरा करना है, बच्चा आगे जाना चाह रहा है। हाँ, उस बच्चे को उन लोगों ने मार के फेंक दिया इस तरह से। और एक आपको खुलासा मैं बोलूँ,
फैजान को 12 तारीख को हॉस्पिटल में रखा गया था। आईआईटी खड़गपुर का जो हॉस्पिटल है उसमें रखा गया था। लेकिन उस दिन आईआईटी वाला ने हमें खबर क्यों नहीं किया, मैं तो ये बोल पूछ रही हूँ आईआईटी वाला से, अगर आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो जिस दिन आईआईटी का बच्चा, मेरा बच्चा खड़गपुर हॉस्पिटल में था, उसी दिन रात को 2 मिनट लगता है हॉस्पिटल के डॉक्टर मुझे फ़ोन के ही नहीं किया। हाँ, उसका रजिस्टर निकालने से तो उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस मिल जाता, उस दिन फ़ोन क्यों नहीं किया? तो ये रिकॉर्डेड है, वो 12 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट था। हाँ, नहीं नहीं, वो लोग कहाँ देंगे हमें, रिकॉर्डिंग तो होगा ना, कहाँ देंगे हम, तो होगा, देंगे नहीं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पे तो उनको देना पड़ेगा ना। हाईकोर्ट का आदेश, तो वो उस दिन हॉस्पिटल में क्यों रखा रहा, वो लोग सब कुछ जानता है इसीलिए हॉस्पिटल में रखा रहा। हॉस्पिटल में रखने के बाद भी हम लोग को खबर नहीं दिया रहा, क्या जाने हम दो लव्स उसका मिल जाता उस टाइम पहुँचता तो क्यों, क्या हुआ वो तो बोल के जाता, मुझे क्यों नहीं बोला। उसके बाद ले जाके रूम में फेंक दिया, रूम में फेंकने के बाद भी हमें खबर नहीं किया, खबर कौन किया? एक बच्चा ने जब देखा फैजान फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या हुआ फैजान का, वो जाके दरवाज़ा खोल के देख रहा है कि फैजान मरा पड़ा हुआ है, ये हालत क्यों किया आईआईटी वाला ने। वहाँ तो रोज़ वो लोग का बाथरूम साफ़ करने वाला जाते हैं, रोज़ रूम साफ़ करने वाला जाता है, बरेंडा साफ़ करने वाला जाता है, स्टाफ वो लोग का घूमता ही रहता है, कोई पेरेंट्स जाए तो आगे पीछे गार्ड इतना लगाता है जैसे वो पेरेंट्स जा रहे हैं वहाँ बम फेंकने के लिए, लेकिन एक बच्चे के पीछे क्यों नहीं लगाता रहा, क्यों एक बच्चा 2-3 दिन रूम में पड़ा रहा, सर गल गया है, उसके ऊपर कोई एसिड डाल रहा है, कोई केमिकल लगा रहा है, कुछ कर रहा है, वो लोग को पता नहीं चल रहा है, झूठ बोलता है आईआईटी वाला, सब कुछ पता था, वो लोग का स्टाफ का भी इसमें हाथ है, मैं तो बोलती हूँ वो लोग का स्टाफ कब से वो लोग करवाता है, स्टाफ का हाथ है, ये आईआईटी वाला का ही सब कुछ करा धरा है, पूरा आईआईटी से इन्वॉल्व है, मुझे आईआईटी से लड़ना है। हालांकि आपको बता दें कि 2 साल पहले फैजान आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष का छात्र था। 14 अक्टूबर 2022 को आईआईटी खड़गपुर के एक छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया था। फैजान के माता पिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया था कि उनके बेटे की हत्या की गई है। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद शव के दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला है कि छात्र फैजान अहमद के गले पर चाकू का निशान और शव पर कथित गोली के निशान भी पाए गए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है। इसी साल मई में दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई थी। अगले सप्ताह हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करने वाला है। उससे पहले एक्सपर्ट कमेटी भी फाइनल रिपोर्ट दे सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।